सो है गाइस, तो आज है ईद मिलादुन्नबी, तो है बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बाहर बाहर से मौली साहब आएंगे और यार दोस्त लोग साथ में रहूँगा, दोस्त लोग साथ तो पता ही है मस्ती होगा, तो बहुत मजा आने वाला है। तो एंड तक रहो, तो चलते हैं जल्दी जल्दी यार, क्योंकि दोस्त लोग कॉल पे कॉल आ रहा है, और चलते हैं देखते हैं भाई लोग। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बना रहो। सो गाइस, तो हम आ चुके हैं, जैसे तो हम लोग घूम रहे हैं, ये रहा कुछ हमारे दोस्त, अब फोटो क्लिक कर रहे हैं लोग, क्योंकि ना भाई पूरा सुविधा होगा, तो अभी हम लोग जाकर बैठेंगे नहीं, तब हम लोग थोड़ा लेट से जाएंगे, क्योंकि अपना मैम मोड़ से आएंगे, तब लोग जाएंगे और मजा सुनेंगे, क्योंकि एक बार आप घुस गए ना तो बाहर आने का मन नहीं करता, इसलिए हम बाद में घुसेंगे तो हम लोग अंदर रहेंगे, सुबह घर जाएंगे, क्योंकि यार अभी हम लोग थोड़ा घूमते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, देख सकते हो। पेंडल बहुत घूम रहे, जब पेंडल ज्यादा ना सुनते हैं। ये शेर मैं आपके हवाले करूं, मुलाजा फरमा लीजिए। दिल बहलने के मदीने की हवा काफी है, भारत की हुकूमत से भला क्यों मांगो, भारत की हुकूमत से भला क्यों मांगो, देखना चाहता हूँ,
मेरी चाहत करूं चा हुजूर आपको देखना चाहता है, हुजूर आपको देखना चाहता बहुत ही अच्छा कौन आपके हवाले कर रहा हूँ, मुलाजा फरमा लें। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, सरे हश्र तशरीफ लाग लेकिन लहद में निकलने से पहले मैं अपना जनाजा हुजूर आपको देखना चाहता है, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस मुकद्दर पे फिदा हूँ, क्या यही काफी नहीं? मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, क्या यही काफी नहीं? इस मुकद्दर पे फिदा हूँ, क्या यही काफी नहीं? मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, क्या यही काफी नहीं? बादशाहों की तमन्ना क्यों करूँ मेरे हुजूर, बादशाहों की तमन्ना क्यों करूँ मेरे हुजूर? आपके दर का गदा हूँ, क्या यही काफी नहीं? साल पहले थे तुम्हारे ही सामने 1400 साल पुरानी तारीख थी। जब तुम मैदान बदर में गए थे तो तुम मैदान बदर के फातह आजम बनकर निकले थे। जब मैदान उहद के मैदानों में गए थे, जब तबूक हुनैन की वादियों में गए थे तो दुनिया ने देखा था कि बदर का मैदान तुम्हारे कदमों को सजदा कर रहा था, उहद का मैदान तुम्हारे कदमों में अपनी अजमत के ताज लुटा रहा था, खंदक तबूक में तुम्हारी अजमत के झंडे लहरा रहे थे, मैदान तबूक तुम्हारी अजमत का नगमा सुनाई कर रहा था। जब हमने मैदान बदर से पूछा, ऐ बदर के मैदान मुस्तफा जाने रहमत का यह गुलाम, उस वक्त तेरे मैदान में आया था तो कामयाब को हुआ, उहद के मैदान में कामयाब को हुआ, खंदक के मैदान में कामयाब को हुआ, तबूक के मैदान में कामयाब को हुआ, अफ्रीका की धरती पर यह मुसलमान कामयाब को हुआ, यूगोस्लाविया की सरजमीन पर मुसलमानों की अजमत का झंडा क्यों लहराया, मुसलमानों की अजमत का झंडा क्यों लहराया? यही अफ्रीका के सहराओं में 800 साल तक मुसलमानों की अजमत का झंडा क्यों लगा था? यही भारत के सिंध की धरती पर मोहम्मद इब्ने कासिम की शक्ल में मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों की हुकूमत 800 साल क्यों रही थी? मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, चारों जानिब मुसलमानों की अजमत का डंका बज रहा था। इसकी वजह क्या है? आखिर इसके पीछे कौन सी ताकत कार फरमा थी? तो दुनिया का कोना कोना बोल रहा है, मैदान बदर बोल रहा है, उहद का मैदान बोल रहा है, खंडक का मैदान बोल रहा है, तबूक की वादियां बोल रही है। ए मुसलमानों सुनो, उस जमाने तुम कामयाब इसलिए थे कि तुम्हारा सर अल्लाह की बारगाह में झुका था। जब तुमने अपना सर अल्लाह की बारगाह में झुकाया, अल्लाह ने दुनिया को तुम्हारी बारगाह में। क्योंकि दिल के फपूले चल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, काली घटाओं तक्का नहीं पहचानना आया, नशी मन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है, बोलो आज फजर की नमाज तुमने कितनी पढ़ी है, आज मगरिब के बाद से लंगर चल रहा है, तुम्हें खैरत नहीं आई लंगर खाते हुए, तुमने मुर्गे पे मुर्गे खा लिए, बिरयानी की जगह खाली कर दी, तुम्हें खैरत नहीं आई, इतना लंबा चौड़ा कौन तुम्हें चावल तुम खा
खा गए, लंगर की शक्ल में तुमने पूरा चावल खा लिया, पूरा तुमने खाना खा लिया, गोश्त की हड्डियों का अंबार लगा दिया, तुम्हें गैरत नहीं आई? नहीं, मेरे आका ये हथियार चलाना जानते थे, मेरे सरकार ने फरमाया नहीं, मेरे सरकार ये वेपन्स के माहिर थे, मेरे आका ने फरमाया नहीं। अल्लामा असलम साहब जवाब दे, फिर बदर के मैदान में इन्हें कामयाबी क्यों मिली? एक तरफ हजारों का लश्कर है, एक तरफ 313 है, एक तरफ तलवारें हैं, एक तरफ निहत्ते हैं, एक तरफ खाना खाए हुए हैं, एक तरफ भूखे प्यासे हैं, आखिर वजह क्या रही? इन 313 को अल्लाह ने कामयाबी दे दी तो मेरे नबी ने फरमाया, अरे बदर के मैदान में कोई सिपाहियों को लेकर नहीं आया था, बदर के मैदान में मस्जिद के नमाजियों को लेकर आया। अरे बदर में फजर के नमाजियों को लाया हूँ, परवरदिगार मैदान बदर में जुहर के नमाजियों को लाया हूँ, मैदान बदर में असर के नमाजियों को लाया हूँ, मैदान बदर में ईशा के नमाजियों को लाया हूँ, मैदान बदर में तहज्जुद पढ़ने वालों को लाया हूँ। तो मेरे रब ने कह दिया, ऐ मेरे नबी, नमाजियों को लाना तेरा काम है, फातह बनाना मेरा नाम है। और ये कह देना, मेरे आका कल भी तुम्हारे थे, आज भी हमारे हैं, कल भी तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मौला देख ये तेरा बिलाल लेकर आया हूँ, जिस बिलाल को उमैया ने मार मार के तोड़ तोड़ के परेशान कर दिया, मौला वो बिलाल लेकर आया हूँ। जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया तेरे लिए, अपने बच्चों को छोड़ दिया तेरे लिए, अपनी बीवी को छोड़ दिया तेरे लिए, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया तेरे लिए, अपनी जमीनों जायदाद को छोड़ दिया तेरे लिए, अपने खानदान को छोड़ दिया तेरे लिए, अपनी जन्मभूमि शहर मक्का को छोड़ दिया तेरे मौला। मैदान बदर में इन्हीं मुजाहिदीन की जमात को लेकर आया हूँ मौला, जिन्होंने अपना घर को छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी औलाद को छोड़ दिया, अपनी बीबी को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। परवरदिगार इन्हीं तेरे इस्लाम के बाद मैं तेरे बंदों को लेकर आया हूँ, आसमान के रब ने वो शान हमारी कहां गई? लंगर में चली गई, बिरयानी खाने में चली गई, के मैदान में अल्लाह के नबी खड़े हैं, मेरे सरकार ने फरमाया, मौला मौला नमाजियों को लेकर आए हैं। पहला पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वक्त मेरा खत्म हो जाएगा, लेकिन तकरीर का पहला पॉइंट खत्म नहीं हुआ है। नमाजियों को लाया हूं, किसको लाया हूं? किसको लाया हूं? और से बोलो, किसको लाया हूं? नमाजियों को। बिहारियों तुम भी बोलो, बंगालियों तुम भी बोलो, यूपी वालों तुम भी बोलो, झारखंडियों तुम भी बोलो, आसामियों तुम भी बोलो, अरुणाचल प्रदेश वालों तुम भी बोलो, हिंदुस्तान वालों तुम भी बोलो, और सबसे पहले नबी के खुदा में जोर से बोलो, नबी ने फरमाया नमाजियों को लेकर आया हूँ, किसको लाया हूँ? अब मेरे नबी की दुआ का पहला जुमला सुनो, उलामा दुआओं से नमाजों, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता यहाँ कौन किस फिरके से बैठा है, मेरा पैगाम सबके लिए आम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो
तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। हमारा नबी सबसे बाला वबाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छिन गए, वरना डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, चंद शीशे में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का दोमन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हम सबों को रजा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। खड़े हैं मैदाने बदर में मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत करे। आमना के लाल करे है हबीबे परवरदिगार करे है, वो नबी जिसका चेहरा वद्दोहा है वो मैदाने बदर में खड़ा है। अल्लामा असलम साहब जिसकी जुल्फे वल्लैल ईदा सजा है वो रसूल मैदाने बदर में खड़ा है। लंगर खाने वालों जिसका सीना आलम नशरा है वो रसूल मैदाने बदर में खड़ा है। जिसकी आंखें मासा गल पसारो व माता गाय वो मैदाने बदर में खड़ा है। जिसका इमाम बमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है वो मैदाने बदर में खड़ा है। जिसकी शान बमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है वो मैदाने बदर में खड़ा है। अब मेरे नबी की दुआ का पहला जुमला सुनो आसाम के पत्थर सीना के मुसलमानों, अगर तुम्हारी हरारत ईमानी बेदार है तो सुन लो। अल्लाह के नबी के हाथ उठे, हजरत अबू बकर देख रहे हैं, हजरत उमर देख रहे हैं, हजरत अली देख रहे हैं, तमाम नबी के 313 निहत्ते गाजियाने इस्लाम मुसलमान देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मेरे नबी ने हाथों को उठा कर दुआ की, अय अल्लाह अगर ये शहीद हो गए तो सुबह कयामत तक तेरी इबादत करने वाला ना होगा, अगर ये शहीद हो गए तो सुबह कयामत तक तेरी पूजा करने वाला ना होगा, अगर आज ये शहीद हो गए तो सुबह कयामत तक तेरी नमाज बारगाह में झुकने वाला ना रहेगा। ऐ परवरदिगार मैदाने बदर में ये झुके हैं तो तेरे लिए, मस्जिद में झुके हैं तो तेरे लिए, बदले बदर में झुके हैं तो तेरे लिए। तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे नबी परेशान ना हो, अरे दुआ करना तेरा काम है, कबूल करना मेरा काम है। जिंदा तो अबू बकर है, जिंदा तो हजरत उमर है, जिंदा तो हजरत उस्मान है, जिंदा तो हजरत अली है, जिंदा तो हजरत तलहा है, जिंदा तो हजरत अली है, जिंदा तो इमाम हसन है, जिंदा तो इमाम हुसैन है, जिंदा तो ज़ैनुल आबिदीन है, जिंदा तो इमाम जाफर है, जिंदा तो इमाम बाकर है, जिंदा तो इमाम तकी है, जिंदा तो इमाम नकी है। अरे जिंदा तो कौन सी आज़म है, जिंदा तो गरीब नवाज़ है, जिंदा तो बरेली का है मदरसा खान है। 300 और काफिर कितने थे, 1000। जरा तुम काउंट करो, कम से कम हजारों की तादाद में तुम यहाँ बैठे हो, तुम हजारों की तादाद में हो, वो कितने थे? ओनली 313 और तुम हजारों की तादाद में बैठे हो, फिर भी तुम्हारी कोई औकात नहीं, फिर भी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, फिर भी तुम्हारी कोई शान नहीं। सुनो, अपनी अम्मा की वफादार बेटों से बात कर रहा हूं, अपनी माँ के वफादार बेटों, अपने बाप के वफा शहर लाज लो। वो 313 थे, तुम हजारों की तादाद में अभी आसाम के शीला पत्थर में बैठे हो, शीला पत्थर में बैठे हो। वो 313 थे, तो उन 313 का नाम सुन के आज भी अमेरिका थर थर कांपता है। उन 313 का नाम सुनकर आज भी इसराइल के पसीने छूटते हैं, वो 313 का नाम सुनकर आज भी यूरोप कांपता है, उन 313 का नाम सुनकर आज भी दुनिया कांपती है। उसकी वजह क्या है? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने जवाब दिया, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिश दौरा कभी कभी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। जो लंगर खानी थे वो चले गए, जो नबी खानी थे वो जमे। अब सुनो, मैं तारीख का दूसरा रुख दिखा रहा हूँ तुम्हें, आज मैं तुम्हारे जज्बात को झंझोल के जाऊंगा। कैशियर साहब बैग रखा है ना, हमारा भी रखा होगा मोटा सा, इसमें रखा होगा।
नहीं रखा होगा बरेली से मंगवा लेंगे। लेकिन मुझे खुशी ये है कि तुम कमेटी के कैशियर हो, खड़े होकर सुन रहे, ये बड़ी बात है। वरना आजकल कैशियर तो बिल्ला लगा लेते हैं, घूमते फिरते हैं, दिखाते हैं कि देखो हम बैग टांगे हम कैशियर हैं। लेकिन नहीं, ये कैशियर बता रहा है कैशियर बाद में हूँ, नबी का गुलाम पहले हूँ। ऐसे कमेटी वालों को जलसे में रखो जो जलसा सुने भी, जलसा सजाए भी, जलसा मनाए। टोपी लगाकर बिल्ला लगाने वालों कमेटी मत रखो, बेशक उनको रखो जो जलसा शुरू होने से लेकर आखिर तक जलसे का साथ दे। मेरी बातें बुरी लगेंगी, कोई बात नहीं, मत बुलाना आसाम में दोबारा, मत बुलाना, लेकिन तुम्हारी बात में हकीकत दिखा कर जाऊंगा। क्योंकि दिल के फकूरे जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशी मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। लेकिन वो कह रहे मौला मिसाइलें गिरे, बम गिरे, बारूद गिरे, सब कुछ गिरे, लेकिन हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। एक बाप अपने लाल के जिस्म के लाशे के बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े चितरे चितरे पॉलीथीन में उल्टा कर लेके जा रहा है। जब इंटरव्यू लेने वाले ने, मीडिया वाले ने पूछा तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है, तो उस फिलिस्तीनी गैरतमंद मुसलमान की जबान से जुमला निकला, मेरे हाथ में मेरे बेटे के लाश के टुकड़े हैं। का तुम क्या कहते हो? का मैं यही कहता हूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने नबी से रिश्ता मोहब्बत कायम कर ले और दुनिया वालों को बता दे कि दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिश दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले है, माहो नुजूम के गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाते जाते मेरे भाइयों में तुम्हें एक दर्द मंदाना पील और कर दे, पैगाम और दे जाऊं, अल्लाह शायद तुम्हें तौफीक दे दे सुधरने की, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने तैयार कराए, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अल्लाह का कुरान कहता है कयामत का मैदान अपने बाप के दरबार में जाएगा, बाबा जान आई वांट टू टेक ओनली वन नेक इन माय फादर, ऐ मेरे बाबा जान एक नेकी मुझे दे दो। अल्लाह का कुरान कहता फसेऊ इलैही, हजरत सुलेमान को अपनी बंद होगी, वहीं पर एक आवाज आएगी, एक सदा आएगी, ऐ परवरदिगार दुनिया कहती है नफसी नफसी, आमना दलाल कहता है उम्मती उम्मती। अल्लाह फरमाएगा रसूल अपना सर को उठाओ, तो मेरे रसूल कहेंगे मौला अपना सर को उठाऊंगा, लेकिन जो मांगूंगा क्या वो दिया जाएगा? अल्लाह फरमाएगा हाँ जो मांगोगे वो दिया जाएगा। अब मेरे रसूल कहेंगे मौला जितने गुनहगार उम्मती है वो मुझे अता फरमा दे, जितने गुनहगार उम्मती है वो मुझे अता फरमा दे। अल्लामा असलम रजा जरा ये बताओ, कोई खोटा सिक्का भी लेना पसंद करता है, कोई फटा हुआ नोट भी लेना पसंद करता है, कोई गंदे इंसान को लेना पसंद करता है? नहीं नहीं, वो आमना का लाल है जो कयामत के मैदान में कहेगा मौला जितने गुनहगार है मुझे दे दे, तो मेरा रब कहेगा मेरे रसूल अरे अबू बकर को तू ले जा, हजरत उमर को तू ले जा, हजरत उस्मान को तू ले जा, हजरत अली को तू ले जा, मेरे सहाबा को तू ले जा, अली को तू ले जा, हसन को तू ले जा, हुसैन को तू ले जा, ज़ैनुल आबिदीन को तू ले जा, इमाम जाफर को तू ले जा, इमाम बाकर को तू ले जा, अब्दुल कादिर को तू ले जा, करीम नवाज को तू ले जा, अरे जितने उनको ले जा, तो मेरे रसूल कहेंगे मौला अरे जितने नेक बंदे हैं वो तेरे हैं, जो गुनहगार हैं वो मेरे आने पर अदब से भेजो दरूद उनकी आस्तान
फरिश्ते भी झुक कर सलाम करते हैं, जहाँ फरिश्ते भी झुक कर सलाम करते हैं। अब वो तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ गया, रोशन किताब आ गई, अल्लाह का नूर मुस्तफा, रोशन किताब कुरान। सो गाइस, तो यार प्रोग्राम खत्म हो चुका है और मैं घर आ चुका हूँ। देखो तो यार कमर में घुस के बहुत ठंडा लग रहा है, मुझे बहुत नींद आ रहा है, पर मैं सो भी नहीं सकता क्योंकि मुझे कल स्कूल जाना है। पेरेंट्स तो मना कर रहे हैं कि कल स्कूल मत जाओ, पर मैं जाऊँगा। और भाई मैं भी क्या करूँगा ना, मैं भी सोऊँगा नहीं, मैं अभी अपना दोस्त लोग कॉल करूँगा और इन लोग से बात कर टाइम पास करूँगा, क्योंकि भाई 4 ही बज रहे हैं ना इसलिए। तो भाई आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जो बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड भाई लोग गुड नाइट।